मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो, यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है। आज जो बुजुर्ग हैं उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मध्यम वर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये एक नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथियों, भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से 2 घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता संभावना नहीं होती है, तो उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे।